नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिक्किम में पिछले दिनों हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 16 जवानों की जान चली गई, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जाहिर किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताते हुए लिखा, उत्तरी सिक्किम में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के दौरान सेना के जवानों की आकस्मिक मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए वीर सपूतों को नमन करता है। उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि उत्तरी सिक्किम के जेमा में यह दुर्घटना तब हुई जब आर्मी का ट्रक खतरनाक मोड़ पर खड़ी ढलान से नीचे फिसल गया, जिसमें 16 जवानों की जान चली गई और 4 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक ये ट्रक 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो सुबह चाटेन से चला था और थंगू की ओर जा रहा था। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है।